मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा, इरशाद बोलिएगा। बड़े कमजोर है ये गुब्बारे, बड़े कमजोर है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी बुलंदी क्या छोड़ी अपनी औकात भूल जाते हैं। तो ये सबिट करता है। और बाकी एडवर्ड जी, ऐसे ही आप निरंतर गतिशील रहे और ऐसे शुभ कार्यवत रहे, ये वाकई बहुत अच्छा एक पहल है और ऐसी अच्छी चीजों में हम सबका योगदान रहना चाहिए, हम सबको आगे बढ़ करके चलना चाहिए। और सिस्टर्स यहाँ है, पीछे ब्रदर्स है, तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यर एंड यर। तो मतलब स्वामी जी को याद करते हुए स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत की थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो मैं आज एकदम दिल से बोल रहा हूँ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम यू ऑल। ये रामलीला मंडल के छोटे छोटे बच्चे जो दिल्ली में रामलीला करते हैं वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उनका जो अवार्ड है मैं ये ले रहा हूँ और ये उन तक पहुँचाया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और जो पीरागढ़ी है सभी को बधाई हो, ये अवार्ड मुंबई से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं भी सबको मुबारकबाद दूंगा, छोटे छोटे बच्चे जो रामलीला करते हैं मंडल में काफी मेहनत करते हैं, सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। चाहे मुझे चार लोग ही क्यों ना मिले वहां पे, बट आई गो, आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मलाड, इट वाज अ क्वाइट एक सिटी से दूसरी सिटी आने की जर्नी, बट ये मुझे कहनी थी बिकॉज आई नो वेयर आई एम गोइंग इज सच अ नाइस प्लेस with so many wonderful people, associated with Valley of Hope, साथ में almost अभी ये 5 साल पुराना रिश्ता हो गया है, ये 5वां साल है। हर साल वो इतने beautiful functions और इतने सबको हौसला देने वाले और सबकी पीठ थपथपाने वाले ऐसे सारे इवेंट्स करते हैं कि that's really great, क्योंकि आजकल की दुनिया में I'm as a singer, Vice President Citibank. I'm here for as a awardee, and I'm so happy. I'm so glad that they have considered me. Thank you, Edward, and whole team for arranging this beautiful event. It's such a good cause event, and I'm so happy to be a part of it. And I hope a very all the best to the team for good. Going forward doing all these kind of event and helping the poor people, so it's such a great cause and I'm always obliged for that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Hi everyone, मैं हूँ सजनी श्रीवास्तव, मैं हूँ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स और एड फिल्म्स की आप शायद जानते होंगे, गूगल करेंगे तो मेरे बारे में गूगल ज़्यादा जानता है। और मैंने अभी मेरा प्रोडक्शन हाउस है ईस्ट अफ्रीका में, मैंने वहाँ पे फिल्में डायरेक्ट की हैं जो मेरी फिल्में कांस तक नॉमिनेट हो चुकी हैं, और अब मैंने यहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस फिर से लॉन्च किया है जिसके तहत मैं फिल्में बनाने जा रही हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे ब्रदर एडवर्ड परेरा जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके ऑनर दिया, मुझे यहाँ पे फेलिसिटेट किया सब बड़ी बड़ी डिग्निटरीज़ के बीच में, तो मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच for felicitating me and honoring me. जी, I'm कासिम नाटकर, I am international and world karate champion. मैंने इंडिया को 4 बार गोल्ड मेडल दिलाया है एंड IGF वर्ल्ड गेम्स 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अपना 18 कंट्रीज़ को डिफिट करके मैंने इंडिया को गोल्ड दिलाया है एंड मैं इंडिया रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ मेरा। और थैंक यू फॉर दिस अवार्ड रे ऑफ होप, काफ़ी अच्छा लगा ये इवेंट में आकर, एंड मेरी कोशिश है कि मैं आगे ओलंपिक के लिए तैयारी करूं एंड ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके इंडिया को उसमें गोल्ड मेडल दिलाऊं। एडवर्ड के बारे में क्या कहना चाहूँगा? सर का जो इवेंट रखा है, सर ने उन्होंने काफ़ी अच्छा इवेंट रखा है,
एंड जो उनका नेचर है काफ़ी अच्छा है हर चीज़ में, तो थैंक यू सर फॉर दैट एंड अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपका परिचय स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम रेहा खान। आज के वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम सो ग्लैड, सो आई एम हियर एंड आई एम ऑनर टू आई रिसीव दिस मदर टेरेसा अवार्ड। एंड मदर टेरेसा अभी तक ना कोई है, ना कोई अभी तक आया है, और ना पता नहीं ऊपर वाला जानता है कि कोई अगर उनके ऐसा बन भी गया, अगर 0% बोलते हैं 0.1% बन गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट सॉल। एडवर्ड परेरा के बारे में क्या कहना चाहिए, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने सब अरेंज किया है? आई जस्ट थैंक्स टू हिम मिस्टर एडवर्ड परेरा कि जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और ये ऑनर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ही इज़ डूइंग गुड जॉब एंड आई एम जस्ट टेलिंग हिम कि प्लीज़ कंटिन्यू दिस जॉब। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम कोलंबा कालीधर, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, आई एम अ फ्रीलांसर, आई कंडक्ट मॉरल साइंस क्लासेस फॉर द विमला गर्ल्स एट यारी रोड। Other than that, I take up projects for various NGOs and help them to do their projects. I know Edward for many years and I know his good work. He's been doing a wonderful work, reaching out to the needy and poor. During the lockdown, I remember in that thick lockdown where the people were not allowed to move, he told me, Kalamba, let's take the anaj for the people in Wangaon who had not tested oil for 6 months. Can you believe that? 6 months. तो हमने एक बड़ी सी गाड़ी कर दी और सारा सामान लेके राशन उनको बांट दिया। तो बहरहाल कहना ये है, आज उनका पैर टूटा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल अवार्ड फॉर मी बिकॉज डिस्पाइट हिज फिजिकल ऑडनेस ही स्टिल मैनेज टू होल्ड द अवार्ड्स टुडे। मे गॉड ब्लेस हिम। और जैसे मदर टेरेसा अवार्ड्स नाम है, मदर टेरेसा ने हमेशा कहा है कि हमारे देश में देयर इज़ अ कलकत्ता इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो हमारे अगल बगल जहाँ पर भी आप सभी को नज़र आते हैं गरीब ज़रूरतमंद, उनका एक्सटेंड योर हेल्पिंग हैंड। अल्सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग एक दूसरे का जब मदद करते हैं तो कोई अपेक्षा अवार्ड के लिए नहीं करते, हम केवल ये बनाना है कि धरती पर ही हमें स्वर्ग बनाना है। जय हो, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट टू रे ऑफ होप। थैंक यू। We are really privileged, little sisters of the poor, to be a part of this program of the Ray of Hope, and we are grateful to Mr. Edward Pereira for making it possible for us to be here. May God bless all those who have collaborated to make this a success. And our home for the aged is in Andheri, little sisters of the poor. You are most welcome to come and visit us, and we take care of the elderly poor only by divine providence, that is asking people help. And most of the benefactors come also and visit our home, and thus we are able to provide for the elderly, to provide food, shelter, clothes and all the medical help they need. You can also be part of our family by coming and visiting us. May God bless each one of you. Thank you. हेलो एवरीवन, मैं उशरीन फरीद, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और साथ में मैं एक सूफी परफॉर्मर भी हूँ और मैं एक्ट्रेस भी हूँ, और मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ पर आके। इट्स माय ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर। मदर थेरेसा अवार्ड जो मुझे दिया गया है आज, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एडवर्ड परेरा जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया रेप होप फाउंडेशन और मुझे मदर थेरेसा अवार्ड से नवाजने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, क्योंकि मदर थेरेसा कोई मामूली नाम नहीं है, कोई छोटा नाम नहीं है। उन्होंने जो समाज के लिए जो सेवा की है ये तो आप सब लोग जानते हैं, और इतने बड़े नाम से मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रे ऑफ होप फाउंडेशन का कि मुझे बुलाया और मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको हमारा प्यार भरे नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर परिन सोमानी फ्रॉम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। टुडे आई एम हियर फॉर सेलिब्रेटिंग द मदर थेरेसा अवार्ड विच एडवर्ड परेरा जी इज ऑर्गेनाइज्ड, इज अ ब्यूटीफुल इवेंट।
think about Mother Teresa. She's one of the inspirational women in the whole world. Everybody look upon us. And today, by getting this Mother Teresa Award, I think I'm inspired to motivate others. I don't have any words to say how lucky and how blessed I am to get this award. So for getting this award, it's not is the matter of getting the award. Our shoulders will be getting heavier and we should be helping the society at large. So I would really appreciate to all the people around the world, remember Mother Teresa is the lady of our world. Mother Teresa is the lady of the ethics and a generosity. So be kind and help the society at large. Thank you and namaste. Shukriya. Yeah. Aapka naam? Mera naam Archana Deshmukh hai. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Main Bharat Maa ki beti hoon. Ray of hope is the way of hope. इतना खूबसूरत सा ट्रॉफी और इतना खूबसूरत सा सर्टिफिकेट देने के लिए एडवर्ड परेरा जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है और साथ ही साथ इतनी तकलीफ से अभी गुजर रहे हैं. उनका एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इतना बड़ा ग्रैंड अवार्ड फंक्शन रखा है और वो हमें कभी भी नहीं भूलते हैं. उन्होंने हमें हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए, मैं एक समाज सेविका हूँ, हम लोग गायों का ऑपरेशन करवाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, बीच क्लीनअप करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं. और साथ ही साथ मैं दरियादिल मुंबई करके फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ. मेरी खुद की कम्युनिटी चल रही है आजकल और हमने कोविड में बहुत काम किया. हमारे इसी कार्यों को देखते हुए हमारे मित्र एडवर्ड परेरा जी ने इतनी खूबसूरत सी ट्रॉफी और ये खूबसूरत से सर्टिफिकेट से हमें सम्मानित किया. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. थैंक यू. घुमाया तूने सब जगह? मेहता है. मैं बाय प्रोफेशन तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ. वो भी एक समाज सेवा का ही काम है. मुझे वो पसंद है इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी है. और मैं काफ़ी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ. मुझे यहाँ अर्चना जी ने लाया है और ये पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन आज आने के बाद पता चल रहा है जहाँ जिनको भी यहाँ अवार्ड मिला है वो अपने अपने क्षेत्र में एनजीओ जिनका जिनका है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और रे ऑफ होप है जो इनको अच्छे से सम्मानित कर रहा है. थैंक यू सो मच. मेरा नाम रोनल्ड डिसूजा है और मैं फाइटबैक फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ. मैं रे ऑफ होप एडवर्ड परेरा जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें प्रोत्साहन दिया. मैं चाहूँगा कि सुनीता पालो जी हमारे फाउंडेशन के बारे में और कुछ आपको जानकारी दें. सबसे पहले तो मेरा नाम सुनेत्रा अर्चना अरुण पालव है और मैं फाइट बैक फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ. ये अवार्ड आज सिर्फ मुझे और रोनल्ड को ही नहीं बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इस अवार्ड के हकदार हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं और जो आज जुड़ने वाले जुड़े हैं और जो कल जुड़ने वाले वो भी. क्योंकि ये जो काम है बच्चों को जस्टिस दिलाना ये अकेले से नहीं होता. इसमें बहुत तकलीफ़ होती है और मंजिलें आसानी से नहीं मिलती है. तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके उतना ही हम जस्टिस की तरफ, ये जो सारा सिस्टम है उसको चेंज करने की तरफ, ये जो पॉक्सो एक्ट 2012 जो है उसमें जो चेंजेस लाने हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन मोटिव्स की तरफ, उन गोल्स की तरफ अगर हम साथ में चल के काम करते हैं तो ये ज़रूर हो सकता है. और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है, रे ऑफ होप संस्था और एडवर्ड परेरा जी जो ये इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स के वजह से ही हमारी आवाज़ सब तक जाती है, पहुँचती है. और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ का जो ये बहुत ही घिनौना क्राइम है उसे हम सबको लड़ने की एक ताकत देती है, एक होप देती है. और इसीलिए वी आर थैंकफुल टू रे ऑफ होप संस्था. हम बस इतना ही चाहते हैं कि फाइट बॉन्ग फाउंडेशन की तरफ से हम अपने बच्चों को बचाएं और ये संदेश हम अपने घर ले जाएं कि हमें हमारे बच्चों को दुनिया में सेफ रखना है. और सेफ करने के लिए हमें भी पॉक्सो एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है. आप जानिए और अपने बच्चों को सेफ रखिए. फाइट बैक फाउंडेशन हमेशा आपके साथ रहेगा. थैंक यू. ओके, मेरा नाम चंचला बनकर है. मैं एज अ सोशल वर्कर हूँ. मैं मदर टेरेसा अवार्ड के बारे में कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने जो कहा है कि जो लोगों के लिए निस्वार्थी से काम करना, उनका एक थोड़ा भी मीन्स किसी को अगर मिल जाए अच्छी चीज़ें तो बहुत अच्छा रहेगा. और ये अवार्ड जो मिला है तो हम लोग भी कुछ देखा है एडवर्ड ने
कुछ थोड़े बहुत हम उनके उनकी तरह तो नहीं लेकिन उनसे उनकी तरह थोड़ा कुछ हमने सीखा है और हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अवार्ड ने हमको इस तरह के मदर टेरेसा अवार्ड के लिए हमको इन्वाइट किया है और मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना मतलब उनका एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके हमको हम जैसे कार्य छोटे कार्यकर्ताओं को हमको बुलाया है। थैंक यू, धन्यवाद। माय नेम इज़ बिलिंडा परेरा। आई एम द को फाउंडर ऑफ करुणा घर फाउंडेशन, अ होम फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन एट थाने। वी स्टार्टेड विद टू चिल्ड्रेन using an unused toilet and today we have 32 children with a good place. We thank Edward sir for giving us this honor, especially a Mother Teresa award, stating it's something very big. This is the second time we're receiving it for our good work. And regards to our work, Lawrence will tell him, he's one of our sirs of our NGO. Okay. Karunagar Foundation is mein hum जो बच्चे होते हैं बच्चों को जो बेसिक नीड्स होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन होता है तो हमको एजुकेशनल नीड्स उनको प्रोवाइड करते हैं। प्लस ज़्यादा करके जो हमारे पास बच्चे आते हैं और इसकी स्टोरी वहाँ से शुरू होती है, ये टॉयलेट से शुरू हुआ था। एक टॉयलेट था जिसमें सिर्फ पहले दो बच्चे आते थे और अनयूज टॉयलेट था, उसको हमने माध्यम बनाया। वो खाली था इसलिए हमको जगह मिल गई, हमने उसको स्कूल की तरह बना दिया और उसमें हम पहले सिर्फ दो बच्चे थे, फिर उसके बाद ऐसे वो दो बाकी दो लोगों को लेके आए, फिर ऐसे करके वो बढ़ता गया। आज हमारे पास 28 बच्चे हैं जिनका हम एजुकेशनल नीड्स का भी ध्यान रखते हैं, प्लस उन बच्चों को जो बेसिक नीड्स होते हैं। अभी जो भी बच्चे आते हैं वो सिंगल पेरेंट या फिर रैक पिकर, जो कचरा वगैरह या फिर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं और ये बच्चे 5 साल से लेके 18 ईयर्स तक है तो इस एज ग्रुप में होते हैं। तो सबका अलग अलग एक प्रॉब्लम होता है कुछ भी, तो हम उनको काउंसलिंग भी देते हैं, प्लस उनकी जो बेसिक नीड्स है उनके घर में राशन वगैरह प्रोवाइड करना, वो सब भी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और उनका एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको फ्यूचर में क्या बनना है उसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए उनको। Thank you so much. Hi, I'm Dr. Karen Terry Raza and it's a pleasure to be here today as the chief guest for the Ray of Hope Mother Teresa Award. This award is very, very close to my heart because Mother Teresa was one inspiration who has left us all speechless. And I would definitely, I know we cannot be so close to her, but at least a little bit of whatever she's done, I'm doing my part in that world today, whatever I can. And today it's a pleasure that I have been called here and to see so many inspirational people out here. They're doing so much of the good work. That is important. We live only one life. And since it's a Mother Teresa Award, she is the biggest inspiration to all of us. So that is important. Do good, live a very fruitful and a good life. Be an inspiration. That's all that I always tell everybody. Thank you so much, Edward, for having me here. It is a great, great pleasure to be here. Thank you so much. Mera naam hai Tvisha Saraf. Aur mera naam hai Ayan Saraf. Hume aaj ye award mila hai. उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग एक्टिंग सीरियल शॉर्ट फिल्म्स वेब सीरीज में काम करते हैं। मेरा नाम नैनी कासमी है और मैं राइटर, प्रोड्यूसर और ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्कर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है क्योंकि मैं बचपन से ही फैन रही हूँ मदर टेरेसा की और ये मेरा एक सपने जैसा था। हालांकि मुझे ढेरों अवार्ड मिल चुके हैं, अभी हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन एंड पीस अवार्ड मिल चुका है मुझे लंदन से और इसके अलावा भी मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है और मानवता सेवा सम्मान पुरस्कार मिल चुका है। बॉलीवुड से हूँ चूँकि मैं, तो बॉलीवुड के पुरस्कार अलग मिल चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें सेवा करते रहनी चाहिए। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कमाई का रास्ता हमारा चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें इंसानियत ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए हम अपने शब्दों से, अपने लिरिक और डायलॉग्स के ज़रिए सेवा करते हैं। इसके अलावा मैंने अब बाद में एक अपना एक ट्रस्ट भी बनाया है जिसमें हम बच्चों के लिए सेवा करते हैं, उनकी पढ़ाई और उनके लिए डेवलपमेंट के लिए उनकी हम सेवा करते हैं। या
I'm Mrs. Audrey Morais, a social worker, social activist. I'm an environmental activist. I'm also Saffron's Mrs. India 2020 in the elite category. ये अवार्ड मेरे को 2021-2022 और अभी 2023 ये थर्ड ईयर मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है. मेरा सोशल सर्विस मैं इतना काम कर चुकी हूँ एट ग्राउंड लेवल कि मुझे ये अवार्ड हर साल मिल रहा है. एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. एक्चुअली मदर टेरेसा, दिस इज़ द नेम. फ्रॉम द स्मॉल एज, फ्रॉम द टाइम आई वॉज अराउंड 12, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फुटस्टेप ऑफ मदर टेरेसा. शी इज़ बीन माई इंस्पिरेशन, माई गाइड. थैंक यू वेरी मच. मुझे एक्चुअली आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9 इंटरनेशनल पैजेंट्स एज वेल एज आई एम इन द सिलेक्शन कमिटी ऑफ मैनी इंटरनेशनल पैजेंट्स वर्ल्ड वाइड. सो आई रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट एज अ जज. तो मैं येस्टरडे फेमिना मिस इंडिया से आया हूँ, मणिपुर से यहाँ पे मैं आया हूँ. सो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू एडवर फॉर सिलेक्टिंग मी एंड गिविंग मी द अवार्ड. सो इट फील वेरी इट्स बेसिकली अ प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ इंडिया. तो जैसे मुझे पहले दादा साहेब फाल्के भारत भूषण, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड, थाने गौरव अवार्ड, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. बट बहुत अच्छा लग रहा है मदर टेरी से अवार्ड मिलके. सो थैंक यू सो मच मिस्टर एडवर्ड. थैंक यू सो मच. अरे सर आप भी हैं, वेरी गुड. यानी आपकी टीम है. क्या कहना चाहिए अवार्ड के बारे में? अवार्ड तो ऐसा है कि थर्ड अवार्ड हो रहा है ये मदर टेरेसा का, और एडवर्ड जी इतने प्रॉब्लम में भी जो ये काम कंप्लीट कर रहे हैं, एक वैल्यूबल है और इंस्पिरेशन दे रहे हैं सभी को. और उनका डिज़ायर ही बहुत कुछ कर रहा है. और जहाँ तक मेरी बात है तो ये मेरा 40वां अवार्ड है. और हेल्थ एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट एजुकेशंस में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से. हेल्थ मैं पैरालाइज तक काम करता हूँ, और ब्यूटी में स्किन कितनी भी डैमेज हो जाए, सोरेसिस वगैरह सब कुछ. कंपनी का नाम हेल्दी वेल्दी आयु, मुकेश भाटिया मेरा नाम है और ब्रांड नेम मेरा आयु है. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होने जा रही है. और ये अवार्ड जो हुआ इसमें सडनली मेरे सर पे एक जिम्मेदारी डाली गई कि आज आप होस्ट करोगे. आज ही सुबह यहाँ पहुँचने मैं अवार्ड लेने आया था लेकिन मुझे होस्ट बना दिया गया. और ये अचानक सारा कुछ होने की वजह से सब कुछ मैनेज हो गया. ये सबसे बड़ी बात है, आप जैसे टीम सपोर्ट में रहते हैं और ये काम हो जाता है. धन्यवाद करता हूँ. मैम क्या कहना चाहेंगे? आज रियो फोप लेफ्ट राइट पे दोनों बैठे हैं और आप स्टेज पर आए, क्या कहना चाहेंगे? आज तीसरा अवार्ड है. मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कितनी खुशी है, और खुशी से ज़्यादा एक बहुत दिल को सुकून मिलता है जब इतने अच्छे लोगों के साथ, मतलब एक छत के नीचे ऐसे सारे लोग इकट्ठा होते हैं जिनकी सोच ऐसी है कि वो अपनी तरफ से सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं. एक चंदन होता है ना, जैसे खुद घिसते हैं लेकिन सबको खुशबू देते हैं, तो वैसे लोगों के बीच में आज मैं यहाँ पे हूँ. और इस बात की मुझे बेहद खुशी है जिस तरीके से रे ऑफ होप एक इन लोगों ने जैसे बीड़ा उठाया है कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं और इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स और अभी की जनरेशन्स उनसे कुछ सीख पाए और आगे यही एक अच्छाई की जो देन है ये पास ऑन होती रहे जनरेशन बाय जनरेशन, इस चीज़ के लिए सबको वो मोटिवेट करते हैं, सबको प्रोत्साहन देते हैं, उनका अप्रिसिएशन करते हैं. इस बात की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि तारीफ बटोरने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे लेकिन तारीफ करने वाले, शाबाशी देने वाले बहुत कम होते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए होता है जो रे ऑफ होप के पास है. और एडवर्ड जी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हर बार वो दिल से याद करके मुझे ये एक मैसेज भेजते हैं. और मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं आ पाऊँगी. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आ ही पाऊँ, और ये वादा रहा एडवर्ड जी, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है कि इतने अच्छे लोगों के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए मिलता है. और यहाँ से मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दे पाती हूँ, बट मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जाती हूँ. एक कहते हैं ना कि
संगत का असर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। तो इन सब को देख कर मुझे लगता है कि जो सोशल वर्क में नहीं भी होंगे या जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कुछ करने का, वो भी उनके साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे और ये कड़ी ऐसे ही जुड़ती जाएगी। और मुझे लगता है रे ऑफ होप अपने नाम को बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है, अपने नाम को बहुत अच्छी तरीके से साबित कर रहा है कि वाई इट इज़ रे ऑफ होप, क्योंकि मैं देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि कितने लोगों की कोशिशें और कितनी लोगों की अच्छाई एक साथ जुड़ने के बाद और इतनी मेहनत के बाद आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। मैम सबसे बड़ी बात ये है कि ये अवार्ड पूरे इंडिया में जाने वाला है, अभी उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एक अवार्ड दिया नवयुग रामलीला मंडल को। यस, जो वहाँ के डायरेक्टर है धर्मवीर जी और मनोज है, काफी सारे लोग हैं बच्चे यहाँ से अवार्ड जो दिल्ली में जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पीरागढ़ी गाँव के जो बच्चे हैं उनके बारे में? यही तो खासियत है रे ऑफ होप की कि वो सबको एक होप देते हैं कि उनका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है और उनके साथ वो अकेले नहीं है, उनके साथ रे ऑफ होप भी है और उससे जुड़े कई सारे लोग हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगी उन सभी बच्चों को, क्योंकि एक अवार्ड से तो हम रुकने वाले नहीं है ना, हमें और ढेर सारे चाहिए और उसके लिए आप सबको बहुत मेहनत करनी है बच्चों, वो करते रहिए, लगन लगाए रखिए। क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ, अपने खुद के शहर को छोटा कहना अच्छी बात नहीं है, बट मुंबई जैसे शहर के सामने तो डेफिनेटली वो शहर आबादी के हिसाब से थोड़ी प्रोग्रेसिव अगर तरीके से देखा जाए तो उसके हिसाब से छोटा ही है, बट वहाँ से जब मैं आ सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं, डेफिनेटली। कितना प्राउड फील कर रही है एक बार जब रामलीला मंडल में आपका नाम अनाउंस होगा दिल्ली में कि ये अवार्ड जो है दिल्ली तक पहुंच गया है, क्या कहना चाहोगे नवयुग रामलीला मंडल के पीरागढ़ी गांव के बच्चों को जो ये करते? देखो वो लोग भी अच्छा काम करे सब नाटक करके और सब रामलीला का करके, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी उनको जो जा रहा है अवार्ड। और सबसे अच्छी बात ये कि रामलीला ये हमारी एक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, लोक कला का बहुत बड़ा हिस्सा है। आजकल इतना सब कुछ वेस्टर्नाइज होते जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ही लोक कलाओं को पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि अगर आप जैसे मंडल ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी फोक कला को सबके सामने रख सके, उसकी लेगेसी हम आगे बढ़ा सके, तो ये बहुत ही खुशी वाली बात है और इस चीज़ के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बधाई अभी। आपको अगर मंडल में बुलाते हैं तो इनवाइट अगर मिलता तो आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे नसीब में आज तक रामलीला में जाना आया नहीं है। सिंस आई हैव ग्रो अप इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दशावतार जैसे होता है कोंकण रीजन में, तो रामलीला भी अगर देखा जाए तो देखिए हमारी सारी संस्कृति एक जैसी है, जिस चीज़ को हम यहाँ दशावतार कहते हैं कोंकण रीजन में नॉर्थ में उसी को रामलीला कहा जाता है। सबके कला के नाम अलग है बट कला का स्रोत जो है वो एक ही है। मिसाल आप क्या कहना चाहिए, लव कुश की तरह साथ में रहते हैं आप दोनों भाई, क्या कहना चाहिए इस आवाज़ को लेकर? सॉरी अब लास्ट बार अब आप पानी पानी ही मिल सकता है प्लीज। हर चीज दुनिया को दिखने वाली है, फिर चाहे आप सिर खुजाओ या नाक में कुछ, आप कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि आपको 150 से ज्यादा कैमराज 24 घंटा आपको घेरे हुए है, आपके सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक। तो मुझे नहीं लगता है कि हर किसी में वो हिम्मत है कि उन कैमरास के बीच में जाके अपने आप को इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करे, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और जो उस शो में जाता है सच में उन सभी का, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन सभी का सच में मैं बहुत ही उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतनी हिम्मत वो रखते हैं, दैट्स अ बिग थिंग। या तो आप भी जो घर में एक बर्तन नहीं उठाता वहाँ टॉयलेट तक साफ करता है, ऑफ कोर्स करना पड़ता है, खाना बनाता है, yes. तो क्या चीज सीखते हैं वहाँ पर बिग बॉस में जाके, क्या चीज है जो बन जाता है इंसान, कुछ आदमी बनकर आए कुछ तो बिल्कुल बर्बाद होके आए हैं। बहुत धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। यस ऑफ कोर्स बिग बॉस वही तो एक ऐसा शो है कि वहाँ आपने एज एन एक्टर एज अ सेलिब्रिटी जो भी इमेज आज तक बनाई है दुनिया के सामने, क्योंकि लोग तो आपको किसी ना किसी कैरेक्टर की वजह से जानते हैं, बट यहाँ पे आप किसी कैरेक्टर को नहीं प्ले कर रहे, अपने आप को प्ले कर रहे, तो आप जैसे हो आपकी नियत जैसी भी है आपका स्वभाव जैसा भी है वो दुनिया के सामने दिखने वाला है।
तो लोग कई कई चीज़ें सीख जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आपके बीच में लड़ाई होती है आपके लव्ड वन के साथ, या फिर जैसे घर, उस घर में कई बार आपने देखा होगा कि सदस्य एक दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बट आप देखोगे कि दूसरे ही दिन वो एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं. अगर किसी के घर से कोई संदेश आता है, किसी के घर से कोई चीज़ आती है, या फिर कोई दुखी होता है, घर होम सिकनेस किसी को हो रहा है, तो सब मिलके एक दूसरे का साथ देते हैं. वहाँ की लड़ाइयाँ इतनी मतलब ये सिखाती है आपको कि अरे यार, जब एक छत के नीचे ही रहना है तो इस लड़ाई को लंबा खींचने से क्या मतलब है. लड़ेंगे भी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ भी खड़े रहेंगे. सो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दैट हाउस. अरे शिव तो मेरा भाई है ऑफकोर्स, और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से उसने पूरी जर्नी तय की है. वो हिंदी बिग बॉस में जाने से पहले हमारी कई बार बातचीत होती थी कि कैसे ये उसका सपना है और कैसे वो जीना चाहता है. तो आई एम वेरी ग्लैड कि वो अपना सपना जीकर आया उस घर में, और सिर्फ सपना जीकर ही नहीं आया, अपना सपना पूरा करके भी आया. तो क्या हुआ कि जो एक ट्रॉफी नुमा चीज़ है वो उसके हाथ नहीं लगी, बट उसके बदले में उसने जो पाया है वो आप सभी जानते हैं कि उसने कितना प्यार पाया है जनता से. मैं भी सीज़न 12 में जब गई तो वहाँ मुझे ट्रॉफी नहीं मिली. एक ट्रॉफी ऑलरेडी घर पे है मराठी बिग बॉस की, हिंदी बिग बॉस की आते आते रह गई, बट कोई बात नहीं. कई बार है ना, ट्रॉफी से बढ़कर भी कई सारी चीज़ें होती है, आप जो रिस्पेक्ट हासिल करते हो. वरना एक कौन मेघा धाड़े किसी जलगांव शहर से, कौन एक शिव ठाकरे अमरावती जैसे शहर से. आज पूरी दुनिया हमको प्यार करती है, सो इससे ज़्यादा ग्रेटफुल हम क्या हो सकते हैं और क्या मांग सकते हैं भगवान से. थैंक यू.